हेलो मम्मी, पीछे दोनों। हाँ मम्मी, प्लेसमेंट हो गई। मॉम न्यूयॉर्क में मिली है, 1.2 करोड़ पर ईयर। बहुत खुश हूँ मॉम, मैं आ रहा हूँ। अरे सुबह, तूने प्लेसमेंट रिकॉर्ड वाला न्यूज़ सुना? नहीं तो। अरे हमारी यूनिवर्सिटी ने इस बार सबसे ज्यादा स्टूडेंट को प्लेस करने का रिकॉर्ड बनाया, वो भी विद द हाईएस्ट पैकेज ऑफ 37 लाख। ऐसा क्या? हाँ कसम से, बैठ के बात करते हैं। हाँ तो तुम क्या बोल रही थी, हमारे डिपार्टमेंट का हुआ? अरे नहीं, एक सीएस के भैया है ना, उनका हुआ है प्लेसमेंट, उनको मिला है हाईएस्ट पैकेज। ओ, तो हमारे डिपार्टमेंट में कितनों का हुआ? अरे पगली, ऐसे कॉलेज में कोर वालों का प्लेसमेंट, वो भी कोर कंपनीज में, बहुत रेयर होता है। हाँ हमारे डिपार्टमेंट से आईटी कंपनीज में हुआ है, हमारा भी उसी में होगा। लेकिन हम सब तो कोर वाले हैं ना, फिर इसमें क्यों? मेरी फैमिली मुझसे बहुत एक्सपेक्ट करती है, अगर जॉब नहीं मिली तो बैंक का लोन तक नहीं चुका पाएंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे, रोड पे आ जाएंगे। डोंट वरी, एक सोल्यूशन है मेरे पास, क्यों ना हम ब्रांच चेंज करके सीएस या आईटी ब्रांच में चले जाएं। वैसे भी सीएस या आईटी डिपार्टमेंट में चले जाने से जॉब तो गारंटी है और पैसे भी अच्छे मिलेंगे। लेकिन मेरा बचपन से सपना था मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनूं, जिससे मैं अपने छोटे से गाँव में रोशनी ला सकूं। और फिर जहां से मैंने स्कूलिंग किया है वहां तो किसी ने कंप्यूटर देखा तक नहीं है, फिर सीएसआईटी कैसे ले लूं? बस इतनी सी बात है, डोंट वरी, क्यों चिंता करती हो? वैसे भी यहां पे बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स हैं, सभी के सभी आईआईटीएन, तो फिर टेंशन किस बात का? तुम समझ नहीं रही हो, मेरा बचपन से सपना था इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनने का, मैं बचपन से इसी सपने को जीना चाहती हूँ, तो प्लीज़ मैं चेंज नहीं करूँगी, सॉरी। तुम बहुत भोली हो, स्मॉल टाउन से आई हो ना, इसीलिए सपने और ज़िंदगी जैसी बड़ी बड़ी बातें करती हो। मगर सुनो, जिस प्रोफेशन में पैसे हो ना, उसी के सपने देखने चाहिए, और वैसे भी जब पैसे रहते हैं तो सपने भी आने लगते हैं। और तुम खुद ही सोचो, कोर डिपार्टमेंट का कोर कंपनी में प्लेसमेंट कितना मुश्किल है, एज इफ रेत से सुई निकालने जैसा। अब तुम्हारे बैंक का लोन भी तो चुकाना है, कैसे होगा ये सब? तुम समझ रही हो ना मैं क्या बोल रही हूँ? तुम सही कह रही हो, अगर मैं इंजीनियर बन भी जाऊँ तो क्या गारंटी है कि मुझे जॉब मिलेगी? पर सीएसआईटी में तो मिलना पक्का है ना, मैं अपने सपने के चक्कर में अपनी फैमिली को रोड पे नहीं ला सकती कभी। अरे चुप हो जा पागल, रो क्यों रही है, चुप हो जा। लेकिन कैसे होगा ब्रांच चेंज, और मैं पास तो हो जाऊँगी ना सीएसआईटी में? अरे सब हो जाएगा, मैं हूँ ना तेरे साथ, टेंशन किस बात का है, मैं हमेशा रहूँगी तेरे साथ, हमेशा। थैंक्स सर, आई ट्रस्ट यू, बस तू रुकना मत कभी मुझसे। अरे बिल्कुल नहीं, चलो चलते हैं, लेट हो रहा है, और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जाके पता भी तो लगाना होगा ब्रांच चेंज का क्राइटेरिया क्या है। हाँ चलो ठीक है, चलो चलते हैं। कहाँ जाना है आपको? अरे ये चिंतन जाने का रास्ता कहाँ है? उस तरफ से जाएगा, लेकिन सिर्फ एक जोन जाएगा। अच्छा ठीक है, तुम जाओ मैं यहीं पे हूँ। हाँ ठीक। पूजा क्या हुआ? अरे हो गया, टेंशन लेने का कोई बात नहीं है। चलो बढ़िया, क्या बोले? अरे वो बस कह रहे थे कि 9 पॉइंटर से ज्यादा होना चाहिए, मेरा तो हो जाएगा, और तुम तो 9 पॉइंटर हो ही, तो टेंशन लेने का तो कोई बात ही नहीं है। चलो अच्छा है, चलो। You are a truth teller and the left row leads to capital. Or
यू आर अ लायर एंड द राइट रोड। पूजा देखा तूने क्लास में सब अपने स्टडी में लगे हुए हैं, मुझे तो डर लग रहा है यार, कहीं गलती तो नहीं करती ब्रांच चेंज करके। तू टेंशन क्यों लेती है, मैं हूँ ना तेरे साथ, तेरी बहन, तेरी दोस्त, कभी कभी तेरी माँ भी बन जाऊंगी। और पता है बाद में कभी फ्यूचर में दूसरी जगह पे जब जॉब लगेगा ना तो तुझे फोन कर करके परेशान किया करूंगी, और तू जब बॉयफ्रेंड भी बना लेगी ना तभी भी तेरे को परेशान किया करूंगी। चल फिर चलते हैं हॉस्टल, हाँ नहीं तो वार्डन हमारी क्लास ले लेगी। चल चलते। Excuse me. Yes. What happened? Can I get your number? Okay. Thank you so much. Okay. Thank you. Thank you. पूजा एक बात बोलूं? हाँ बोल। वो अजनबी लड़के को नंबर नहीं देना चाहिए था, मुझे ठीक नहीं लगा, तू मेरी दोस्त है ना इसलिए बोल रही हूँ। तो क्या प्रॉब्लम है? तू भी ना एकदम भोली है, ऐसे लड़के बिल्कुल ठीक नहीं होते। आज पहले दिन में नंबर मांग लिया, कल हाथ ही मांग लेगा, बोलेगा चलो शादी कर लेते हैं। अभी तक तो जाकर वो बच्चों की प्लानिंग कर रहा होगा, और देख लेना रात तक कहीं फोन करके बच्चों का नाम ना बताने लगे। लो आ गया फोन उसका, बच्चों के नाम भी इतनी जल्दी सोच लिया। हे भगवान, तू तो गई काम से। तू भी ना, एक सेकेंड रुक। हेलो, थोड़ी देर में मैं हॉस्टल जाके बात करूँ तुमसे। अच्छा चलो ठीक है, बाय। हाँ तो तू क्या बोल रही थी? तो मैं क्या बोल रही थी, हाँ बस मेरा हेल्प कर देना स्टडी में, एग्जाम्स आ रहे ना, कुछ समझ नहीं आ रहे। बाय द वे, तेरे जेंटलमैन से फुर्सत मिले तब, और बदले में मुझे अपने बच्चों के आया ना बना देना। हाँ ठीक है मैं तुझे पढ़ा दूंगी, लाइब्रेरी चलते हैं कल। कल मैं तुझे हॉस्टल जाके मिलती हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है। रिचार्ज कहाँ मिलता है? वहाँ आगे से राइट ले लेना। वहाँ आगे? हाँ एकदम सीधा जाना, वहाँ से राइट ले लेना। okay. अच्छा, एकदम okay. सामने मिलेगा। okay, thank you. अच्छा मुर्गा फंसा है यार तुम्हें। अब ढूंढता रहेगा जिंदगी भर। सीरियसली? अरे यार आज रोशन का बर्थडे था, मैं तो भूल ही गई। सीरियसली? चलो ओके बाय। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। बैठो चलते हैं। वेलकम मैडम, क्या बात है, आजकल आप बहुत बिजी रहती है अपने जेंटलमैन के साथ। पूजा क्या हुआ, तू इतनी सैड क्यों है? कुछ नहीं यार, बस बहुत थक गई हूँ, थोड़ा रेस्ट चाहिए। ठीक है फिर मैं सोने जा रही, तू भी जल्दी सो जाना। ठीक है तू सो जा, मैं थोड़ी देर में सोऊंगी, कुछ असाइनमेंट भी कम्प्लीट करना है। ठीक है चल फिर, गुड नाइट, पर जल्दी सो जाना। गुड नाइट। पूजा, पूजा उठ।
क्लास नहीं जाना है क्या? पूजा उठ, पूजा। ये लड़की भी ना। पूजा, पूजा उठ, क्या हुआ? पूजा, पूजा, पूजा उठ ना, पूजा, पूजा प्लीज, पूजा क्या हुआ बता तो। पूजा, डियर सुब्बू, जब तुम ये लेटर पढ़ रही होगी तब तक मैं इस दुनिया से बहुत दूर जा चुकी होंगी। सुइसाइड करना शायद कायरों का काम होता होगा। मुझे आज एहसास हुआ, सपना टूट जाए तो कैसा लगता है। शायद यही वजह है कि अब हैरानी नहीं होगी कि मैं कायर हूँ, क्योंकि मेरा प्यार का आशियाना आज टूट गया। रोशन ने मुझे धोखा दिया, उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। वो पहले से ही किसी के साथ था, वो फ्रॉड निकला। मैं इस हालात में भी जी लेती अगर बात मेरे और रोशन तक ही होती, मगर मैंने जो इनजस्टिस किया तुम्हारे साथ, उसके लिए मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। जिस दोस्त ने मुझे इतना प्यार दिया, जिसने मेरे हर प्रॉब्लम को अपना प्रॉब्लम समझा, जिसने मुझे हमेशा माँ की तरह सपोर्ट किया, हर वक्त मेरे साथ रहने वाली मेरी बहन, मेरी दोस्त सुब्बू के मासूम सपने को समझ ही नहीं पाई कभी। और किया भी तो क्या किया, उसके मासूम सपने को कौड़ी के मोल बेचाई आईटी के बाजार में। इस गलती के लिए मुझे ऊपर वाला कभी माफ भी कर दे तो मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। और तुम भी कभी मुझे माफ मत करना, क्योंकि मैं इतनी बुरी हूँ कि तुमसे किया हुआ वादा तक नहीं निभा पाऊंगी। तुम्हारे प्लेसमेंट के टाइम तुम्हारे साथ खड़े रहना तो दूर की बात, मैं नजरें तक तुम्हारे सामने उठा नहीं पाऊंगी। शायद मुझे दोस्ती का मतलब ही नहीं पता था, और मुझ जैसे को जीने का कोई हक भी नहीं है। अपना ख्याल रखना, और हाँ, अगले जन्म में फिर मिलेंगे, और तुम्हारा प्लेसमेंट तो जरूर होगा, देख लेना। बस दुख इस बात का है मुझे कि मैं नहीं रहूंगी देखने के लिए, मेरी क्यूट लविंग फ्रेंड पूजा। प्लेसमेंट रिकॉर्ड वाला न्यूज़ सुना? नहीं तो? हमारे कॉलेज ने इस साल सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को प्लेस करने का रिकॉर्ड बनाया है। अच्छी बात, चलो आईटी ज्वाइन करते हैं। ना, मेरे इलेक्ट्रिकल ही सब। धीरे धीरे ये क्या हो गया, धुएं के नशे में क्यों खो गया, दिन है या रात अब मुझको क्या पता, सोचा था क्या, क्या से क्या हो गया। सब बोले बिकते कौड़ी के मोल, यहाँ सपने बिकते कौड़ी के मोल, कौड़ी के मोल, कौड़ी के मोल।